लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में शानदार जीत दिलाने के बाद मुख्यमंत्री अब वेस्ट यूपी के उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों पर फतह के लिए अपने अभियान को धार देने में जुटे हुए हैं। प्रदेश के सियासी माहौल में पश्चिमी यूपी के चुनावी सीटों पर जाकर सीएम खुद सियासी नब्ज टटोल रहे हैं। इसके अलावा इन इलाकों में तमाम योजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी में 12 जगह विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिनमें कुल्लू वेस्ट यूपी की रामपुर, सहारनपुर की गंगोह, फिरोजाबाद की टुंडला, अलीगढ़ की इगलास है। बीजेपी की कोशिश है कि प्रदेश की सभी खाली सीटों पर बीजेपी, एक हफ्ते पहले ही सीएम योगी ने वेस्ट यूपी में सहारनपुर की गंगोह सीट पर 45,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया था। गंगोह सीट के विधायक प्रदीप चौधरी बीजेपी के टिकट पर कैराना से सांसद चुने गए हैं। सहारनपुर के बाद अब सीएम अलीगढ़ की इगलास और फिरोजाबाद की टुंडला सीट पर भी चुनावी रणनीति के निर्धारण के लिए दौरा कर रहे हैं।